अर्चना का पति रामेश पिछले 8 महीनों से प्रदेश में था और उसकी जवानी उफान मार रही थी, जिसके चलते अर्चना बेहद परेशान हो गई और परेशान होकर सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, हमारे पति जी तो पिछले 8 महीनों से प्रदेश में है, कैसे अपनी जिस्म की भूख को शांत करूं। इस तरह की बातों को अर्चना बार बार अपने मन के अंदर सोच ही रही थी, तभी अचानक उसे अपने ससुर दयाराम के रूम से कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें सुनकर उसकी बहू अर्चना आश्चर्य में पड़ गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी कि आखिर इतनी रात को हमारे ससुर जी कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमारी सास तो हमारे रूम के बगल वाले रूम में लेती हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ससुर जी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो। ऐसा सोचकर दयाराम की बहू अर्चना तुरंत अपने बिस्तर से उठी और रात 12 बजे अपने ससुर दयाराम के रूम के पास पहुँच गयी तो देखी हमारे ससुर जी किसी और के साथ नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं। अब जैसे ही बहू अर्चना कुछ देर तक अपने ससुर को अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखी तो उसकी जवानी और भी उफान मारने लगी, जिसके चलते बहू अर्चना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और 61-62 गेम खेलने के लिए बेकाबू हो गई। मगर करे तो क्या करे, बेचारी उसकी सास जो उसके ससुर के रूम के अंदर थी इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से वापस अपने रूम में चली आई और सास को ससुर से अलग होने का इंतजार करने लगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब जैसे ही कुछ देर संबंध बनाने के बाद अर्चना की सास अर्चना के ससुर से अलग हुई और वहां से वापस अपने बिस्तर पर आई तो वैसे ही मौका देखकर अर्चना सच संवर कर फुल मेकअप मैं अपने ससुर दयाराम के रूम में पहुंच गई और उसके बगल में लेटकर उसके पप्पू को अपने हाथों से सहलाने लगी। अब जैसे ही बहू अर्चना अपने ससुर के बिस्तर पर लेटकर उसके साथ कुछ देर तक हरकतें की तो वैसे ही उसका ससुर दयाराम अंदर ही अंदर मन मस्त हो गया और मन मस्त होकर तुरंत अपनी बहू अर्चना को अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है बहू, जो इतनी रात को तुम हमारे बिस्तर पर आई हो। तभी उसकी बहू अर्चना बोली, क्या बताएं ससुर जी, तुम तो खुद समझदार हो और मैंने सुना है कि समझदार के लिए तो एक इशारा ही काफी होता है, आखिर इतनी रात को एक जवान खूबसूरत औरत किसी पराए मर्द के रूम में किस लिए आएगी। जिसके बाद उसका ससुर दयाराम कहने लगा, अब मैं समझ गया बहू, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम हमारा साथ दो। ऐसा कहकर ससुर दयाराम तुरंत अपनी जवान खूबसूरत बहू अर्चना को बिस्तर पर लिटाया और 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिया और सारी रात 61-62 गेम खेलता रहा। जब सुबह हुआ तो बहू अर्चना अपने ससुर दयाराम के परफॉर्मेंस की इतनी दीवानी हो गई कि वे हर रात अपनी सास के चोरी छुपे ससुर दयाराम के साथ अपनी जिस्म की प्यास बुझाने लगी। उधर उसका ससुर दयाराम भी उसकी परफॉर्मेंस की इतना दीवाना हो चुका था कि वे अभी अपनी पत्नी को धोखा देकर बहू अर्चना के साथ 61-62 गेम खेलने में लगा हुआ था। इस तरह ससुर और बहू का ये नाजायज रिश्ता परिवार वालों की चोरी छुपे कई महीनों तक लगातार धरने से चलता रहा। मगर एक रात जब दयाराम अपनी बहू अर्चना के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहा था तभी अचानक इसी बीच उसकी पत्नी भी अपनी रातें रंगीन करने के लिए वहां पर पहुंच गई तो देखी हमारा पति हमारे ही बहू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होकर अपनी रातें रंगीन कर रहा। ऐसा नजारा देखकर दयाराम की पत्नी भौंचक्की रह गई और तुरंत गुस्से से क्रोधित होकर अपने पति दयाराम को डांटने लगी। कुछ देर डांट फटकार लगाने के बाद जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वे अपनी बहू अर्चना को लेकर अपने रूम में चली आई और मोबाइल के थ्रू इसकी जानकारी अपने बड़े बेटे रमेश को दी, जिसके बाद रमेश प्रदेश से वापस घर पहुंचकर अपनी पत्नी अर्चना को लेकर वापस प्रदेश चला गया। तो देखा दोस्तों, आपने आजकल समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने और देखने को मिल रही है, इसलिए आप अपराधी मानसिकता को समझें और अपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें।